ये देखिए, मार्केट जैसी मेयोनीज और बर्गर सॉस घर पे आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाखा अरूप और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरूप्स कुकिंग क्रिएशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेयोनीज बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक जार लिया, उसमें दूध डाला, 1/4 कप के करीब दूध है। फिर इसमें डालेंगे चीनी, साथ में डालेंगे हम इसमें नमक और विनेगर, और इसे एक बार ऐसे मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी क्वांटिटी जो मैंने यूज़ करी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसको हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ऐसे मिक्स कर देंगे एक बार। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम इसका मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है ऑयल। ये मैंने आधा ऑयल डाला पहले और इसको एक बार ऐसे मिक्स करेंगे। ऑयल को मैंने मेन इंग्रेडिएंट इसीलिए बोला है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस मेयोनीज में यूज़ होता है वो है ऑयल, तो मेयोनीज मैक्सिमम ऑयल ही है। अब क्या करेंगे, ब्लेंडर को ऑन रखेंगे और बाकी बचा हुआ ऑयल भी ऐसे ब्लेंडर को चलाते हुए इसे ऐसे डालेंगे। इससे टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आता है। ओके, सारा ऑयल मैंने डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारी मेयोनीज जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, थिक, क्रीमी एंड टेस्टी। ये देखिए आप इसकी क्रीमीनेस देखिए। है ना बहुत मज़ेदार। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। सुपर क्रीमी एंड टेस्टी होममेड मेयोनीज इज रेडी। अब हम चलते हैं बर्गर सॉस बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक बोल लिया, उसमें डाला कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में डाला 2 टीस्पून के करीब में टोमेटो केचप, और अब होममेड मेयोनीज 3 टीस्पून के करीब मैंने यूज़ किया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे इस तरीके से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और हमारा जो बर्गर सॉस है वो भी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये, एक बार ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।